Hi guys, welcome to my channel Activities with Gunjan Singh. So in this video, we are going to learn about shapes. So in this video, I'm sharing with you a worksheet of math subject, right? This is the practice worksheet. So you can take and you can print out for your children. So let's see what we have to do in this worksheet. Here given some shapes, right? Because our topic is shapes. Tick the correct number of sides of each shape, right? So here given some shapes, and each shape has their own sides, right? Own sides and corners. So we have to find out just sides, because in this exercise, number of sides we have to find out, right? So let's see. First shape is circle, right? This is circle, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं. And you can see circle and oval. Circle and oval are made of curved line, right? Made of curved line. A circle does not have any sides. You can see, because we have to find out sides. Circle एक ऐसा है जिसमें कोई भी side नहीं होता है, right? If I ask, how many side does a circle have? So we have to say zero. Why? Because a circle does not have any sides, right? So we have to tick on the zero like this, right? Let's move on the next shape. This is square. What is this? This is square, right? Square, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं. Let's see how many sides are there. 1, 2, 3, 4. There are four sides, right? Square has four sides, so we have to tick on the four number, right? Let's move on the next shape. This is triangle. We can say in Hindi त्रिभुज. इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज. Because इसके क्या होते हैं? तीन भुज, मतलब इसकी भुजाएं तीन होती है. 1, 2, 3, यानी corners three होते हैं. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है साइड्स. सो लेट्स काउंट. 1, 2, 3. ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, राइट? सो वी हैव टू टिक ऑन द नंबर थ्री. नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल. दिस इज रेक्टेंगल, जिसे हम हिंदी में आयत कहते हैं. क्या कहते हैं? आयत. लेट्स काउंट साइड ऑफ रेक्टेंगल. 1, 2, 3, 4. देर आर फोर साइड्स. देर आर फोर साइड्स, राइट? सो वी हैव टू टिक ऑन द फोर नंबर. नेक्स्ट डायमंड. विच शेप इज दिस? दिस इज डायमंड, राइट? सो लेट्स काउंट हाउ मेनी साइड्स आर देर. 1, 2, 3, 4. देर आर फोर साइड्स, सो वी हैव टू टिक ऑन द फोर, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट शेप. दिस इज ओवल. इसे हम क्या कहते हैं? ओवल, हिंदी में अंडाकार, ठीक है? क्योंकि एक एग जैसा शेप है, इसका अंडाकार शेप है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ओवल, अंडाकार, ठीक है? सो लेट्स काउंट हाउ मेनी साइड्स आर देयर. सो सेम एज अ सर्कल, ओवल डज नॉट हैव एनी साइड्स, राइट? सो वी हैव टू टिक ऑन द नंबर जीरो, राइट? नेक्स्ट दिस इज पेंटागॉन. विच शेप इज दिस? दिस इज पेंटागॉन, राइट? सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? लेट्स काउंट. 1, 2, 3, 4, 5. देयर आर फाइव साइड्स, राइट? सो ऑन विच शुड बी टिक? हमें किस पे करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए नंबर फाइव पर, राइट? बिकॉज यहाँ पर कितने साइड्स है इसके? पेंटागॉन के फाइव हैं. और पेंटागॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचकोण. बिकॉज इसके फाइव, पंच मीन्स फाइव होता है, ठीक है? इसके पांच कोण होते हैं, यानी फाइव साइड्स होता है, और फाइव कॉर्नर्स होते हैं एंड फाइव साइड्स होते हैं, राइट? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट शेप. दिस इज हेक्सागॉन, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज हेक्सागॉन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं
षटभुज, क्या कहते हैं षटभुज, क्योंकि षट मतलब सिक्स होता है और इसकी भुजाएं कितनी होती हैं, सिक्स होते हैं, इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके, बट वी हैव टू काउंट साइड्स बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट साइड्स, सो लेट्स काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देर आर सिक्स साइड इन हेक्सागोन शेप, राइट, सो वी हैव टू टिक ऑन द सिक्स नंबर, राइट स्टूडेंट्स, सो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, सो ये है वर्कशीट शेप की, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय.